ना इधर देखो भाई, एक से एक दिखाई गई है AK-47 850 से मिनिमम स्टार्टिंग है। तो ये अगर मैंने उठाया तो ये मे भी आधी किलो तो है, आधी किलो से ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। ठीक, वीडियो के स्टार्टिंग में ये बता देना चाहता हूँ, इसके लिए आपको किसी भी लाइसेंस की रिक्वायर्ड नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया, मस्त फिट और एकदम लल्लड़ टॉप होंगे। दोस्तों आज आपको पीछे मेरे बैकग्राउंड में दिख ही रहा होगा बहुत सारी बंदूक है, ठीक है, जो कि अभी बताऊंगा कैसी बंदूक है। एंड कई आपको AK-47 की तरह भी बंदूक दिख रही होगी, और जैसे कि पबजी में, अगर आप पबजी वगैरह गेम खेलते होगे तो सारी ये बंदूकें मतलब आपको यहाँ पे मिलने वाली है, जो कि पबजी में दिखाई जाती है, ठीक है। तो ऐसी ही शॉप पर हम आए हैं, और इस शॉप का नाम है पंडित नरसिंह दास एंड सन्स, जो की पड़ती है चांदनी चौक पे, बंगला साहिब वाला रोड जा रहा है, जो कि शीशगंज बंगला साहिब नाम से उसी रोड पर ये दुकान पड़ती है। और एक लोकेशन और बता देता हूँ, फेमस जलेबी वाला आपने नाम सुना होगा, नाम ही ऐसा है तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, जो कि पूरे पुरानी दिल्ली में यहाँ पे फेमस है, लाल किले के सामने जो रोड पड़ता है, ठीक है। तो आज हम यहाँ आए हैं, और वीडियो के स्टार्टिंग में ये बता देना चाहता हूँ, इसके लिए आपको किसी भी लाइसेंस की रिक्वायर्ड नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, लाइसेंस की कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसे ही आप चला सकते हो। अच्छा, ठीक है, क्योंकि ये सारी जितनी भी है ना एयर गन्स है, ओनली ऑन एयर गन्स, ठीक है। जैसे पार्टी वगैरह में, ठीक है, थोड़ा अपना रॉक दिखाने के लिए चलाते हैं, आप जानते होंगे, मतलब समझदार हो, ठीक है। जितनी भी बंदूकें आपको दिख रही है ना, इसके अंदर सारों की आपको जानकारी देने वाला हूँ, साथ ही साथ आपको कॉस्ट भी बताने वाला हूँ कितने की है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, और लाइक ठोक दो, ठीक है। बाकी वीडियो तो स्टार्ट हो ही रही है, चलो वीडियो को आप करते हैं स्टार्ट। करेंगे यहाँ पे तीन रो है, और सबकी कोस्ट मैं आपको बताऊंगा, और फिर इस वाली पे भी चलेंगे। तो देखो सबसे पहले ये वाली है, यहाँ से नहीं ऊपर से शुरू करते हैं, ठीक है, यहाँ से सबसे कम कोस्ट में जो सबसे पहली है, ये देखो 850, उसके बाद ये 900 की है, फिर इसके बाद ये 950, फिर 1000, फिर 1000, फिर ये वाली 1200, ठीक है। आपको साफ साफ स्क्रीन में देखो कोस्ट भी दिख ही रहा होगा प्राइस के साथ, 1250, 1250, 1250, 1300, मतलब इस वाली रो में जो फर्स्ट रो है इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो है 1300, ठीक है, लास्ट। अब इस वाली में देखते हैं, ये वाली देखो सिल्वर टाइप में है, ठीक है, ऊपर में आपको दो तीन वुड वाली दिखाई थी, ये देखो वुड, और डिजाइन भी बड़ा यूनिक है, ये वाली थोड़ा ठीक है एल्युमिनियम टाइप की है। तो ये देखो ये 1500 की है, ये 1500 की है, ये 2500, और ये वाली 2200 मतलब 2200, और ये वाली 2400, ठीक है, 2500, ये भी 2500, ये वाली 3000, वो भी 3000, तो ठीक है। तो ऊपर वाली रो में मैंने आपको दिखाया, उसमें 1300 मिनिमम वैल्यू थी जो लास्ट वैल्यू थी, और इसकी जो सेकंड रो है उसमें जो लास्ट वैल्यू है उसमें 3000 है, ठीक है, जो कि सबसे महंगी वाली है। अब नीचे वाली पे आते सबसे, तो देखो ये थोड़ी कॉस्टली वाली है, ये वाली दिखाता हूँ, ये वाली 1350 से स्टार्टिंग है, ठीक है, और ये देखो इसमें भी वुड का डिजाइन दिया गया है यूनिक, मतलब ग्रिप बनाने के लिए, ये देखो 3050 मतलब 1350, ये वाली 1500, ये वाली 1600, ठीक है, और ये 3500, और लास्ट जो इस रो में जो थर्ड है ये है 3500, मतलब मिनिमम जो आप इन तीनों रो में सबसे जो लास्ट वैल्यू है कॉस्टली वो है 3500, ठीक है, और स्टार्टिंग मैंने आपको बताई दी थी 850, यानी कि 850 से शुरू थी। यहाँ पे ये देखो शॉर्ट गन के लिए दिया गया है, जैसे कि कोई होते हैं ना स्पोर्ट वगैरह के प्रैक्टिस वगैरह करते हैं तो उनके लिए ये दिया गया है, ये यहाँ पे जितने भी है एयर गन है, ठीक है, तो आप इस प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो, बाकी इसका गलत यूज मत करना, क्योंकि देखो जो ये जितनी भी मैंने दिखाई है ना एक बार में केवल एक ही छर्रा लगा के एक ही बार गोली चल सकती है, ठीक है, ठीक है, और ये निशाना लगाने के लिए, ठीक है। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर कोई पर्सन हो तो यहाँ पे विजिट कर सकता है। अब ऊपर वाली पे आते हैं, ठीक है, तो ऊपर वाली पे इधर से तो ज्यादा है, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टार्टिंग प्राइस है 9650, उसके बाद 9250, फिर 8500, फिर उसके बाद 7800, फिर 6500, उसके बाद ये है 6000 है शायद, हाँ 6000, ठीक है, और ये है 5000। तो 5000 सबसे कम कॉस्ट है, और जो मिनिमम जो सबसे ज्यादा की है वो है 9650, ठीक है, और एक ये रह गया, ये कोने में लग रहा है छूट गया था दिखानी, ये है 3850, मेरे को लग रहा था ये वाला कॉस्ट सबसे ज्यादा है, पर सबसे ज्यादा दोस्तों इसका है, ठीक है। हाइट आपको कम लग रही होगी थोड़ी,
लेकिन यही है 3850 का सबसे ज्यादा, और इनकी हाइट 3 फुट के करीब है। ठीक है, मतलब समझ लो हमारे कमर से थोड़ी ऊपर आएगी। ठीक है, तो ये 3 फुट की है। अब इधर आ जाते हैं। ठीक है, इधर थोड़े इक्विपमेंट दिखाए गए हैं, जो भी ग्रिप वगैरह लगती है हाथों के लिए, दस्ताने वगैरह, ग्लव्स वगैरह, ठीक है, वो इस रूम में। और ये वाली जो दिख रही है दोस्तों, इसका नाम है लाइटर गन। लाइटर गन बोले तो जैसे कि कोई भाई सिगरेट वगैरह पीता है, ठीक है, अपना रोब में यूं फिल्मों में वगैरह में देखा होगा, वीडियो वगैरह शूट करते हैं, प्रैंक वगैरह में भी काम आता है, ठीक है, नकली गोली के लिए, तो यहाँ पे आप ले सकते हो। बट ये है लाइटर गन, ठीक है, इससे आप सिगरेट वगैरह जलाने के लिए ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, जब बंदूक में बैलेट्स लगते हैं वो ये है। ठीक है, 4 टाइप्स के दिए गए हैं अलग अलग। पहली जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 425, फिर है 875, फिर है 875, और लास्ट भी 875। मतलब स्टार्टिंग प्राइस 425, यानी कि 425 से स्टार्टिंग है। ठीक है, तो दोस्तों ये देखो, ये वाली मैंने अभी निकाली गन। ठीक है, ये आपको कितनी मस्त लग रही है, ऊपर इसकी डिजाइनिंग कितनी मस्त दी गई है। ठीक है, तो ये अगर मैंने उठाया तो ये मे भी आधी किलो तो है, आधी किलो से ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। ठीक है, ये देखो कितना मस्त लग रहा है डिजाइन। चलाऊंगा नहीं, डरना मत, बस स्क्रीन के सामने दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये देख लो। तो भाई बच के रहना, मेरे पास बंदूक है। ठीक है, जितने भी YouTube वीडियो देख रहे हैं मेरी, ठीक है, तो गाइस देख सकते हो, ये वाली आधा किलो, मिनिमम 1 किलो, 1.5 किलो वाली, मतलब सारी है। और ये तो ऊपर हैवी लेवल की है ही, जो आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें गोली वगैरह तो है नहीं, आप यहाँ गोली भी ले सकते हो। देखो 4 टाइप्स की दिखाई गई है दोस्तों। इधर वाली जितनी भी ये रो है मैंने आपको कंप्लीट करके दिखा दी है। ठीक है, अब चलते हैं इस वाली रो में, और ये भी आपको दिखाता हूँ। ये वाली जो स्क्रीन दिखाई जा रही है, इसमें नॉर्मली जो ग्लव्स लगते हैं, मतलब बंदूक के ऊपर जो उसका कवर होता है ना, वो सारी चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, इसमें दिखाए गए हैं, और बाकी अलग अलग, मतलब ये खराब है कुछ बंदूकें, कुछ बंदूकें इसमें सही भी है। ठीक है, बाकी जो मेन चीज थी मैंने वो इधरी की तरफ थी, जिनकी आपको मैंने सारी प्राइस डिटेल वगैरह फुल्ली एकदम दे दी है वीडियो के अंदर। ठीक है भाई, ये रहे शॉप के ओनर भैया, आपका नाम क्या है? नाम तनुज प्राशन है। ठीक है, तनुज प्राशन नाम है। अब सारी चीजें तो मैंने आपको दिखा दी, जानकारी वगैरह दे दी, पर इनकी भी आप जानकारी ले लीजिए इस गोली को, मतलब बंदूक को चलाने से पहले। देखो लोग सोचते हैं कि भाई बंदूक मिल रही है, पता नहीं क्या है, असली है, कट्टा है, इलीगल वेपन, आप खुद समझदार हो। बिल्कुल, चांदनी चौक में मेन रोड पे कुछ ऐसा खुलेआम कोई कट्टे बुट्टे तो बेचेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्मल बेसिक सब 0.177 का जो लीगली अलाउड है, एक नंबर का 4.7 का छर्रा लगता है इसमें, एक बार में एक ही डलता सिंगल शॉट, हर बार लोड करने के लिए आपको करना पड़ता है, फिर छर्रा डलता है, फिर सीधा करके चलता है। तो इतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं होती कि अपने पर्सनल सेफ्टी के लिए लोगों को मारने धमकाने ऐसे कुछ नहीं है, बनी है सिर्फ निशाने पर दिखने के लिए, टारगेट शूटिंग प्रैक्टिस के लिए, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए, जो आगे शूटर बनना चाहते हैं उनकी शुरुआत के लिए है ये गन। मेले में जो गुब्बारे फोड़ते हैं वो वाली चीजें दिखे थे। तो इसको लेके आप खुलेआम घूम रहे हो, किसी को डरा धमका रहे हो, कुछ गलत यूज कर रहे हो, वो भी गलत बात है। सकते ये मत सोचना कि खिलौने को कुछ नहीं किया, सही बात है, आप गलत, क्योंकि बिल्कुल असली लगती है सारी देखने में ही। तो आप मूवीज वगैरह बना रहे हो, प्रैंक वगैरह कर रहे हो, ऐसे थोड़ा बहुत अपना आपस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप नुकसान मचाओगे, डराओगे, धमकाओगे, कंफ्यूजन पैदा करोगे असली है नकली है, तो पुलिस पकड़ सकते हो। मेट्रो में अलाउड नहीं है लेके जाना, बाकी बस ट्रेन ऑटो हर जगह अलाउड। भैया एक बार शॉप का एड्रेस अगेन रिपीट कर दीजिए। का नाम है हमारी पंडित नरसिंह दास एंड सन, चांदनी चौक है, दिल्ली का, पुरानी दिल्ली का चांदनी चौक, दिल्ली 6, इस तरफ लाल किला पड़ता है, इस तरफ शीशगंज गुरुद्वारा पड़ता है। तो शीशगंज गुरुद्वारा लाल किला के बीच में ही है, चांदनी चौक मेट्रो से भी आ सकते हो, लाल किला मेट्रो से भी आ सकते हो, लेकिन वापसी मेट्रो में लेके जा पाओगे। तो शॉप का नाम है पंडित नरसिंह दास एंड सन, शॉप का नंबर है 1802। बाकी शॉप भैया कितने बजे खुल जाते हैं? क्योंकि मैं सुबह ही आ गया था, खैर 7 बजे। वैसे तो आज चांदनी चौक जाते दुकान आजकल तो 11 बजे के बाद ही खुलती है, हमारे थोड़ी लेट खुलते हैं 12:30 के बाद, और 6:30 बजे तक खुली होती है। ठीक है, अगर इसका चलते हुए देखना है तो हमारा खुद का यूट्यूब चैनल है, पराशर एंटरप्राइजेस करके, तेरे भैया का भी यूट्यूब चैनल है पराशर एंटरप्राइजेस, तो गाइस इसको भी सब्सक्राइब मानना, ये वाली और भैया की वीडियो वगैरह देख लेना, CO2 वाली और भी बहुत सारी जो गन्स हैं उनको चला के दिखा रखा है, कैसे चलती है, क्या नहीं। मैंने भी देखी थी एक दो आपकी वीडियो, घर के अंदर शायद शूट कर रखी है आपने। हाँ देखी थी मैंने, बाहर आउटडोर, हाँ शॉर्ट्स वगैरह भी डालनी पड़ती है। बाकी हमारे चैनल पे है, हमारे फोन नंबर है व्हाट्सएप का 9560727254, आप इसमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, उसमें भी हम रिप्लाई बैक कर देते हैं, तो उसमें आपको हम फोटो वगैरह भेज देंगे, जो चूज करोगे आपको हम कोरियर भी करवा देंगे, कोरियर पूरे कहीं पे हो जाएगा इंडिया में,
150 रुपए छोटे गन का, बड़ी गन का 400 रुपए कोरियर का लगता है, जहाँ बोलोगे वहाँ भेज देंगे आपको। तो यहीं पे आप ब्लॉग को एंड करते हैं, भैया ने इतना कीमती वक्त दिया हमें क्योंकि काम कर रहे थे, ठीक है, इन्हें भी वर्क था, बट आए आराम से प्यार से बात किया और यहाँ की जानकारी दी। तो मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में कुछ इसी तरह की यूनिक सी वीडियो लेकर। और दोस्तों सब्सक्राइब मारना चैनल को, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।